हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीलिंग माउंटेड स्पॉटलाइट के बारे में। और आप जैसे कि आप इस देख रहे हैं, ये दिखने में कुछ इस तरीके से होती है। जैसे कि आप ये इमेजिन करिए कि ये है मेरा हाथ जो है सीलिंग है, तो सीलिंग के ऊपर कुछ इस तरीके से माउंट हो जाती है और इस तरीके से ये सीलिंग पर लग के ये वॉल्स के ऊपर जो है अपना स्पॉटलाइट का जलवा बिखेरती है। तो इसी लाइट को जो है हम सीलिंग स्पॉटलाइट बोलते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि सीलिंग स्पॉटलाइट बोलते हैं, तो सीलिंग पे ये इस तरीके से माउंट होती है। तो इसका जो पूरा नाम है वो सीलिंग माउंटेड स्पॉटलाइट है। तो दोस्तों, जिन टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस लाइट के बारे में बात करेंगे कि इसके बाहर जो है वो कौन सा लेंस लगा होता है, कौन सी चिप लगी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कितना आप इसे टिल्ट कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर आपको फीचर्स मिल सकते हैं और क्या मटेरियल्स इसके आते हैं, कितने वाट में मिल जाएगी, कौन से कलर्स होंगे। और जब इसको इंस्टॉल करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो वॉल से आपकी कितनी डिस्टेंस रहनी चाहिए, उसको आपको किस तरीके से आपको टैकल करना है, आपको किन किन रूल्स को, किन किन चीज़ों को माइंड में रखना, तो वो सारी चीजें जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लुक के बारे में। तो लुक आप देख रहे हैं कि इसका लुक जैसे आप बुलेट जो कैमरा होता है, इसका लुक कुछ उसी तरीके से आता है जैसे आपका बुलेट कैमरा आपने देखा होगा, आपका जब बाहर जो लगा होता है। और दोस्तों, ये जो लाइट होती है, इसके बाहर जो है आपको कॉन्वेक्स लेंस देखने के लिए मिलेगा और इसके अंदर जो है एलईडी चिप आपको देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों, जो इसके बाहर जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका क्या काम होता है। मतलब जो भी लाइट सोर्स उसके ऊपर पड़ता है, तो लाइट सोर्स जब कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ता है तो उसको जो लाइट है उसको एक पॉइंट पे जाकर के उसको जो है वो फोकस करवा देता है। अब दोस्तों, जैसे कि आप ये फोटोज भी देख रहे हैं, जब इस लाइट का यूज किया जाता है तो इस तरीके से इसका जो है लुक निकल के आता है। मतलब अगर आपको कोई आर्टिफैक्ट है या फिर आप किसी टेक्सचर वॉल को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इसको जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। अब इसी में हम बात करते हैं इसके एंगल के बारे में। तो आप एंगल को भी आप इस फोटो में देख रहे हैं कि जो इसकी जो लाइट होती है, मतलब 15 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक की जो लाइट है आपका, ये फैक्ट है आपका। और बाकी दोस्तों, जब आप इसको परचेज करने जाते हैं तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट लाइट में जो है वो अपर्चर आते हैं। इसमें यूजली जो एडवांस जो लाइट्स आजकल आ रही है, उसमें 4 अपर्चर जो है आपको मिलते हैं इसमें। तो उसमें बेसिकली अपर्चर को जब आप सेट करते हैं तो उसमें लाइट कितने डिग्री पे वो फोकस करके वो फेंकेगी, तो वो चीज़ जो एडजस्ट होती है। जैसे कि अब इस फोटो में भी देख रहे हैं कि आप इसमें देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 4 अपर्चर हैं, उनका फोकस पॉइंट जो है वो किस तरीके से, नंबर 1 पे नंबर 2 पे नंबर 3 नंबर 4। तो इन चारों को ही आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो फोकसिंग एरिया है वो किस तरीके से जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है, उसके अपर्चर को जब हम एडजस्ट करते हैं। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हर लाइट में आपको फीचर मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप परचेस करते हैं तो आप इस चीज़ को देख लीजिए कि उसमें इस तरीके का फीचर जो है वो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। और इसमें जनरली अगर हम डिग्रीज की बात करें कि अपर्चर की वैल्यूज़ कितनी रहती है, उसमें आपका 15 डिग्री, 24 डिग्री, 40 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो ये 4 डिग्रीज जो है आपको यूजली मिलेंगी। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके मूवमेंट के बारे में। तो देखिए, मूवमेंट आप देख रहे हैं, आप इसे नॉर्मली आप पूरा जो है घुमा सकते हैं, पूरा 360 डिग्री तक जो है ये घूम सकता है एंड आप देख सकते हैं। हालांकि ये 360 पूरा नहीं घूम रहा है, ये लगभग 270 के अराउंड घूम रहा है। तो 360 डिग्री में भी जो है आपको घूमने के लिए मिल जाएगा। और सबसे जो अच्छी चीज़ जो मेरे को इसकी लगती है, जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को लगती है, वो ये कि आप इसे नॉर्मली इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं, इस तरीके से आप अप डाउन करके भी जो है इसके एंगल को आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके हम बात करते हैं कलर के बारे में। तो देखिए, आपको दिख रहा है कि इसमें व्हाइट कलर है, इसमें जो जनरली चलते हैं एक व्हाइट कलर चलता है जो आप बाहर दिख रहे हो, और एक इसमें चलता है ब्लैक कलर। तो ये 2 कलर जो है वो यूजली चलते हैं। फिर इसमें भी आपका जैसे नॉर्मल जो फिक्स हो जाती है ये हो गया, और इसके साथ साथ आपकी ट्रैक वाली भी आती है, तो आप इसमें ट्रैक लाइट भी यूज कर सकते हैं और ये नॉर्मल जो है इसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ट्रैक लाइट में आपको जो एक जो बेनिफिट आपको मिलता है वो ये मिलता है कि जैसे आपने नॉर्मली अगर इसको आपने माउंट कर दिया सीलिंग में, तो आपने इसमें क्या है कि एक बार एक जगह आपने इसको माउंट कर दिया, लेकिन अगर आप ट्रैक वाली लेते हैं तो आप उसे इधर उधर अगर आप मूव करना चाहें तो वो जो चीज़ आप कर सकते हैं, तो ये जो है आपको बेनिफिट मिलता है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो ट्रैक लाइट वाला आपका जो कॉमर्शियल जो एरियाज रहते हैं, कॉमर्शियल जो आपकी शॉप्स रहती है, तो वहाँ पे बेनिफिशियल रहता है। और अगर घर की बात करें तो अगर आपका मान लीजिए छोटा, अगर मान लीजिए कोई रूम है आपका, आपको इस तरीके से कोई ट्रैक लाइट्स का यूज़ करना है तो, और इस तरीके की स्पॉट लाइट्स का यूज़ करना है, माउंटेड जो सीलिंग माउंटेड लाइट्स होती है, तो वहाँ पे आप इसके साथ जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर आप ट्रैक लाइट्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो मिल जाएगी, लेकिन हैवीनेस जो है, एक जो हैवीपन है वो भी जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि घरों में ट्रैक लाइट अगर आपका एरिया बड़ा है तो वहाँ पे बेशक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका स्मॉल एरिया है और वहाँ पे आपको कुछ ट्रैक लाइट जैसा कुछ यूज़ करना है तो आप इन लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं।
अब बात करते हैं इसके मटेरियल के बारे में। तो देखिए, इसका जो आउटर का मटेरियल है ये बेसिकली आपका प्लास्टिक में आता है और ज़्यादातर मेटल में आपको मिल जाएगा, और मेटल में भी जो है एल्युमिनियम का जो है आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके पावर कंजम्पशन के बारे में कि कितने वाट की आपको मिल जाएगी। तो इसमें आपको जो ये 5 वाट की मिल जाएगी, 7 वाट की मिल जाएगी, 10 वाट में मिल जाएगी, 15 वाट में मिल जाएगी एंड 20 वाट्स में मिल जाएगी, 30 वाट्स में मिल जाएगी। तो ये जो सारी आपको वाट्स हैं इसमें आपको ये लाइट्स ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। अब फिर सिमिलर अगर इसमें हम कलर्स के बारे में बात करें तो आपको सिमिलर नेचुरल वाइट, वार्म वाइट, कूल वाइट, ये तीनों ही टाइप के कलर जो आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, इसकी इंस्टॉलेशन टिप के बारे में। तो इसकी इंस्टॉलेशन टिप के बारे में अगर हम बात करें तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये ध्यान रखना है कि वॉल्स आपको कितनी डिस्टेंस पे रखना है। अब कितनी डिस्टेंस पे रखना है ये कैसे पता करेंगे? तो देखिए, सिंपल अगर हम बात करूँ तो कितने एंगल पे आपको फोकस करवाना है तो उसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं, क्योंकि ये मूवेबल है, ठीक है। तो आप इसको ऊपर नीचे करके जो है ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन बात आती है कि आपको वॉल से कितनी डिस्टेंस पे रखना है। तो इसका सिंपल सब जैसे कि आप एक चार्ट में देख रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि ए, बी और सी, ये आपको तीन वैल्यू दिख रही है। अब इसमें ए और बी जो है, मतलब बी यानी कि आपकी वॉल हो गई और ए है कि लाइट की कितनी डिस्टेंस है, तो आपको बी से कितना आप दूर रख रहे हैं। तो आप वैल्यू देख रहे हैं कि बीच की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ रही है तो बी से सी का जो फोकस है वो उतना जो है वो बढ़ रहा है। मतलब अगर आपको मान लिया आपको सीलिंग से लेकर के मतलब नीचे 2 फीट तक का अगर फोकस मरवाना है तो आपको वॉल से 12 इंची की दूरी रखनी है। अगर इसी तरीके से आपको 3 फीट का आपको फोकस करवाना है तो वहां पे आपको वॉल से 20 इंचेस की दूरी पे लाइट रखनी है। इसी तरीके से 27 इंचेस के लिए 4 फीट, 34 इंचेस के लिए 5 फीट, 41 इंचेस के लिए 6 फीट। तो सिंपल ये जो टेबल है आपको इजिली नेट पे भी मिल जाएगी। तो आपको ये जो सारे रूल्स है इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना डाउन में आपको जो है वो फोकस करवाना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वॉल से आपको डिस्टेंस रखना है। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंगल तो आपका एडजस्ट हो ही सकता है और इधर करना है कि उधर करना है वो भी इसमें जो है आपको फंक्शन होता ही है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और दोस्तों अगर आप इंटीरियर्स में इंटरेस्टेड और इंटीरियर्स को और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मैंने युवा प्लस में कुछ इंटीरियर्स के कोर्सेज जो है वो कर रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी डिटेल्स में चीज़ों को बता रहा है, जिसमें कि प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग, थीम्स हो गया। तो आप उन कोर्सेज के बारे में भी सोच सकते हैं। तो नंबर जो है आपको स्क्रीन पर चलता हुआ दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप जो है पूछ सकते हैं कि ये किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको टीम जो है वो रिप्लाई करेगी। और दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई के साथ साथ घर बैठे बैठे कुछ अर्निंग्स करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मैंने यूवलेंस को लॉन्च करा हुआ है। और अगर आप हमसे कुछ सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए सर्विस का प्लेटफॉर्म है। तो वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर करिए और आप देखिए कि आपके लिए क्या क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।